अंदर में कर लिया करो, बाल्टी रख अंदर दे में गर्म पानी। यहाँ का गीजर पता नहीं ठीक है कि नहीं, नीचे भी नीचे गर्म, ऊपर भी एक ही गीजर चलता है, एक ही गीजर चलता है, लेकिन गर्म पानी कितना रूम में आते हैं? गर्म पानी दो बाथरूम में आता है, दो में ना, तो गर्म पानी आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं। वो गए तो नहीं तो ऊपर से एक बाल्टी पानी भर कर ले आ, नीचे बाथरूम में नहा लो। वंदे अहम श्री गुरु। आज आज कोई माता ही नहीं आई, देखो ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, ठंड से वजह से एक माता जी है, ठंड हो रही है, बाहर बहुत ऐसा नहीं है। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान सगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम अज्ञानतिमिरं धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामं गुरुदेवाय धीमते सममर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवे श्रीमहात्मने। नामं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्श औदार्य माधुर्य गुणैश युक्तम वरम वरण्यम पुरुष महांतम नारायणस्तम शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिद्धरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय ह्री नाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। हरिवासवान देवी दैताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रमाढ श्री उपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी श्री रूपानुग सिद्धांत दत्तहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसामुदे पादाम्बुजाय ते नमः। नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगराय ते गौरवाभिभावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि
Yeah.
कितना कहते जय जय ये नहीं उसमें अन्य नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल है अच्छी उसमें है हरि बोल गाओ हरि बोल हरा हरि नाम तू आने का स्वरूप हरि नाम तू अनेक स्वरूप हरि नाम तो शोधना
जय हरिनाम का क्या कर कहते हैं, जय हरिनाम, जय जय, हाँ जय जय हरिनाम, जय जय हरिनाम चिदानंदामृत नमः परतत्वाक्षर I'm not afraid.
Thank you.
राधे जय हो। हमें तो विन्यास तक
स्नान कई बार कराओ पर थोड़ा आज नहीं आ रहा है। ठंडा हो सबकी छुट्टी कर दो जा, इसको नहीं होगा जी। हनुमान जी कहते हैं भगवान का सेवा ही हनुमान का विश्राम है, इसलिए भक्तों का कोई विश्राम नहीं, भक्तों का विश्राम है भगवान की कथा कीर्तन ही उनका विश्राम। राम की ने भी तो मोही कहा विश्राम। आगे आगे बजरंग बली आ गए। अच्छा कहाँ गए सब? सांद्रु तो आगे इधर है। प्रेमानंद कहाँ सब? हाँ हरे कृष्णा हमारे जनार्दन क्या विश्राम रात बना याद नहीं जल्दी खत्म हो जाते ना रात को लोग बात करते करते सोते हैं। आप बता रहे पूरी इसलिए नींद आती है, इसलिए जल्दी प्रसाद पा करके 9 बजे पूरा सो जाना। कई बार कह दिया आपने 9 बजे तो प्रसाद पाना चालू किया। झूठ बोल रहे जल्दी करो देर से करते हो देर से होता नहीं इसको तो धरते हो चलो नहीं करा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पितरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश रूपिका कंस श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आज ना पूरा 9 बजे के अंदर में सारे काम खत्म कर देने चाहिए, इसलिए पूरा 9 बजे पूरा खत्म करके एकदम सो जाए, एकदम कोई बात नहीं करके लाइट पूरा इसको नहीं वैसे पूरा 9 बजे अंधेरा बिल्कुल पूरा लाइट बंद कर देते हैं। हमको साधन करने का इच्छा करें कभी से करने तो कभी भी सो अगर कभी उठ सकते और शरीर को नींद भी चाहिए, इसलिए टाइम से पूरा पूरा जहाँ पूरा कथा विश्राम होते आरती होते ही पुजारी को बोलते ना भोग लगा कर निकाल दे और 8:30 बजे प्रसाद बाहर और 9 बजे विश्राम कर ले। हम देखा 10 बजे 10:30 बजे बर्तन मल रहे थे और सोएंगे तो लेट में सोएंगे तो लेट में चलेंगे। हाँ हरे कृष्णा। इसलिए हम लोग अब तक क्या श्रवण कर रहे थे क्या सुन रहे थे बोलो? वैष्णव की महिमा, वैष्णव दूसरे गृहस्थों के घर क्यों जाते हैं?
वैष्णव लोग दूसरे घर क्यों जाते हैं, इसलिए दूसरे घर में क्यों जाते हैं कहते कुछ वस्तुओं को लेकर के भगवत सेवा में लगा करके उनको सुकृत बनाना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हैं, कहते यहाँ पर दो तरह का मुक्ति की बात बताए, कहते एक तो सद्य मुक्ति है और एक है क्रम मुक्ति। सत्य मुक्ति, हाँ, इसलिए यहाँ पर दो तरह का मुक्ति की बात बताए और कहते हैं यहाँ पर कहते एक सद्य मुक्ति, एक क्रम मुक्ति और एक है ब्रह्मलोक का प्राप्ति। कहते योगियों का ब्रह्मलोक का प्राप्ति, कहते उन्होंने तीन तरह का गति की उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसमें जो वस्तु है कहते भक्ति योग है, हैं यही कहते जीव का केवल यही साध्य है भगवान की प्रति जो प्रेम और भक्ति योग, यही जीव के लिए परम कल्याणदायी है। इसलिए कहते ब्रह्मा जी कहते जो वेद को उन्होंने तीन बार उन्होंने समस्त वेद को उन्होंने अच्छे तरह से पढ़ा, वेद को पढ़ करके उन्होंने लास्ट में उसका सारांश क्या निकाले हैं, उन्होंने सारांश ये निकाले केवल भगवान की भक्ति ही एकमात्र भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है। इसलिए भगवत भक्ति ही एकमात्र इसको निरूपण किया, समस्त शास्त्र अगर हम मंथन करेंगे तो भगवान का भक्ति ही निकलेगा है। इसलिए भगवत प्राप्ति केवल भगवत भक्ति के द्वारा हो सकता है। बोले ये एक श्लोक लिख लो, बोले पिबंती जे भगवत आत्मन सताम कथामृत श्रवण पुटे सुसंभूतम पुनातीत विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तत्चरण सरारुहांतिकम। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को पान करते हैं अपना श्रवण पुट से है, इसलिए कान पुट कैसे बटाया, एक दुणा जैसे बनाया, जैसे किसी दुणे से हम किसी चीज को पान करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे कान भी ऐसे दुणा जैसे बताया। इसलिए जो व्यक्ति भगवत कथा को ये कान रूपी दुणों को द्वारा है पान करते रहते हैं कद उसको क्या होता है, बोले पुनंतित विषय विदूषिता सयम, इसलिए संपूर्ण रूप में विषय विषय रूपी जो दूषित से पवित्र होकर के कहते ब्रजंती तत्चरणा सरोरुहांतिकम, वो क्या करता है भगवत चरण को, वो व्यक्ति भगवत चरण को प्राप्त करता है। ये श्लोक ना विश्वनाथ टीका से तुम लोग देख करके बहुत अच्छी अच्छी बात रहता है, वहां से लिख लेना वहां से। इसलिए इसलिए कहते उसमें जो सुखदेव गोस्वामी का है कहते वहां पर जो प्रश्न था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, बोले योगियों में जो आप परम गुरु है आपको मैं प्रश्न करता हूँ कि जगत में संसिद्धि क्या वस्तु है। संसिद्धि मतलब जिस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद, जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद जीव के अंदर में और कोई इच्छा नहीं रह जाती। कहते पुरुष से जत कर्तव्य, पुरुष मात्र का क्या कर्तव्य है और मानस्य सर्वथा, जो मरने वाला पुरुषों का ये क्या कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हाँ उत्पन्न राजा इसलिए कहते दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। कहते भगवान को ये चार रसों को द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। बोले चतुर्विध रति सामान्य रूप प्रेम अनुभव ही भावेर पश्चात उत्पन्न विकार प्रभाव फल दिखाई थे आत्मानाम मने। हाँ देखो इसको ये यहाँ पर बहुत बहुत कुछ बात बताने से हम हाथ में पलेंगे, ये उसको बाद में कह रहे हैं। कहते तृतीय अध्याय में बताए कहते दो तरह के व्यक्ति है, कि दो तरह का व्यक्ति कैसे है, कहते एक व्यक्ति तो बड़े बुद्धिमान है कहते और एक व्यक्ति कम बुद्धिमान, एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और कहते एक व्यक्ति कम बुद्धिमान। कहते जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करते हैं,
और जो काम बुद्धिमान व्यक्ति ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो काम बुद्धिमान व्यक्ति है कि ये भोग वासना में वशीभूत होकर के कि अलग अलग देवताओं को ये उपासना करते हैं। इसलिए गीता में बताया ना कामैस्तस्तै कृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कामना वासना के द्वारा जब उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है वो क्या करता है अलग अलग देवादेवियों को वो भजन करता है। कहते अगर कोई ब्रह्म तेज को कोई प्राप्त करना चाहता है बोले उसको किसको उपासना करनी चाहिए इसको लिख लो। जो ब्रह्म तेज को प्राप्त करना चाहते हैं कहते वो पितामह ब्रह्मा जी को उपासना करते हैं। कहते जो अपना इंद्रिय की पटुता है अगर कोई इंद्रिय की पटुता को प्राप्त करना चाहते हैं बोले वो लोग को इंद्र पूजा करते हैं। जो व्यक्ति संतान संतति की इच्छा करते हैं पुत्रादि की कहते वो व्यक्ति प्रजापति को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति श्री काम उपासनादि संतान आदि प्राप्त करना चाहते हैं कर जो व्यक्ति श्री काम मतलब रुपया पैसा चाहते हैं कर जो व्यक्ति दुर्गा को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति तेज काम तेज काम को पास प्राप्त करना चाहते हैं तेज को कर जो व्यक्ति अग्नि की उपासना करते हैं। जो व्यक्ति धनार्थी धन प्राप्त करना चाहते हैं कहते वो व्यक्ति अष्ट वसुओं को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति बल प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं वो व्यक्ति रुद्रगण को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति भक्ष्य और भोज्य पार्थी सुंदर सुंदर भोजन जो खाना चाहते हैं कहते वो माता अदिति की उपासना करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग काम की इच्छा करते हैं वो द्वादश आदित्य को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति राज्य काम चाहते हैं राज्य काम प्राप्त करना चाहते हैं कहते वो विश्वदेव का उपासना करते हैं। जो व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहते हैं कहते वो लोग अश्विनी कुमार को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति पुष्टि काम चाहते हैं वो पृथ्वी को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति सुंदर रूप चाहते हैं कहते वो लोग गंधर्व को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति सुंदर स्त्री प्राप्त करना चाहते हैं स्त्री काम को कहते वो उर्वशी और अप्सराओं को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति सभी का ऊपर में अपना अधिकार जमाना चाहता है कहते वो व्यक्ति ब्रह्मा का उपासना करते हैं। जो व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा का चाहते हैं कहते वो व्यक्ति जो सकल पर अधिपत्य उपासना चाहते हैं। हो गया। इसलिए जो व्यक्ति जस प्राप्त करना चाहते हैं कहते व्यक्ति इंद्र पूजा करते हैं। जो व्यक्ति धन संचय करना चाहते हैं कहते वो वरुण को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति विद्या चाहते हैं कहते वो शंकर जी को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का दर अपना पति पत्नी में प्रीति चाहते हैं प्रेम चाहते हैं पति पत्नी में कहते वो व्यक्ति उमा देवी को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति धर्मार्थी जो धर्म धर्म की प्रार्थना करना चाहते हैं तो विष्णु को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति संतान आदि वृद्धि चाहते हैं वो लोग पितृगण को उपासना करते हैं। जो व्यक्ति अपना शत्रु का मृत्यु चाहता है अपना शत्रु का मृत्यु चाहते हैं कहते वो राक्षस रे उपासना करते हैं राक्षस का। और जो व्यक्ति अपना कामना वासना को खेल करना चाहते हैं कहते वो परम पुरुष
पुरुषोत्तम को उपासना करते हैं। यहाँ पर कहते हैं जब उन्होंने ये सब बात बताई एक एक वस्तु को पाने के लिए तो एक एक देवता को उपासना करना पड़ेगा तभी जाकर के वो वस्तु प्राप्त होगा। तब यहाँ पर प्रश्न करते इस कौन है जो कामना वासना का द्वारा जिसका बुद्धि नष्ट हो जाता है इसका अल्प बुद्धिमान ये उनको उपासना कहते हैं। लेकिन जो अच्छे बुद्धि वाले जिनका बुद्धि तेज है हाँ इसलिए कहते हैं ये श्लोक याद है अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। इसलिए यहाँ पर कहते हैं साधारण लोगों का भावना क्या है वो भगवान विष्णु को कृष्ण व राम को ये लोग सहज में पूजा करना नहीं चाहते। बोले कारण किया कहते भैया हमको तो संसार की वस्तु चाहिए स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत हैं सुंदर स्त्री सब इस दुनियादारी हमें चीज चाहिए ये सब चीज तो दूसरे देवादेवी देते हैं इसलिए हम क्या करें हम दूसरे देवादेवी को पूजा करें इसलिए हमें तो चाहिए दुनियादारी चीज चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कहते नहीं अकाम अकाम मतलब क्या होता है जिनको भगवत भक्ति प्राप्त करना जो चाहते हैं इसलिए जो भगवान की सुख प्राप्त करना चाहते हैं। बोले सर्व काम मतलब जितने तरह का कामना वासना है हैं यहाँ तक भी जो मोक्ष का हाँ जितने तरह का सारे कामना वासना सर्व काम स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत जो चाहते बोले सर्व काम बा कहते मोक्ष काम जो व्यक्ति मोक्ष को भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमें मुक्ति चाहिए तो कहते उनको किसको उपासना करनी चाहिए बोले जजेत पुरुषम परम जो परम पुरुष जो भगवान है उनको भक्ति करनी चाहिए इसलिए उनको भक्ति करनी चाहिए। तब यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पर कहते हैं भक्त गणे भगवान सुख निमित्त कहते जो व्यक्ति भगवान का सुख प्राप्त करना भगवान को सुख देना चाहते हैं कहते उनका भावना क्या है कहते नाथ जोनी सहस्रेशु जेसु जेसु ब्रजाम्यं तेसु तेसु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा तोई कहते प्रभु बोले जानी नाथ जोनी सहस्रेशु जेसु जेसु ब्रजाम्यं इसका मतलब कहते हे प्रभु हे नाथ भले ही हमें किसी जोनी में क्यों आप मेरे को मत भेजे हैं ब्रज तेसु तेसु अच्युता भक्ति जैसे आपके चरण में हर समय आपके चरण में वैसे मति रहे आपके चरण में जैसे हमारी भक्ति रहे। एक दूसरा श्लोक कहते हैं बोले स्वकर्मा फल निर्दिष्टम जाम जाम जोनी ब्रजाम्यहम तस्या तस्या हृषिकेश तोई भक्तो दृढ़ास्तु मे कहते स्व कर्म निर्दिष्ट अपना कर्म के अनुरूप भले ही किसी जिस जिस ज्योति में क्यों मैं भ्रमण नहीं करूं उसमें क्या हो आपके चरण में तस्या तस्या हृषिकेश तोई भक्ति दृढ़ास्तु मे हृषिकेश के चरण में हमारी जो भक्ति दृढ़ पूर्वक रहे कभी भक्तों का जो भावना है भक्त लोग यही चाहते हैं अब हमें कहीं भी क्यों नहीं रखे जहाँ भी नहीं रहे जैसे आपके चरण में आपकी भक्ति के चरण में जैसे हमारी निष्ठा हो। और यहाँ पर धर्म का जो बंधन से कोई मतलब नहीं कावन भक्त हाँ कहते यहाँ कहते हैं कुछ कहते कहते यहाँ पर कह रहे मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। यहाँ पर विचार दे रहे हैं यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर और श्री प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कहते हम भगवान कहते अगर तुमको स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ चाहिए ना कहते दूसरे देवादेवी को उपासना मत करो उपासना करना तो केवल भगवान को ही कृष्ण को राम को नारायण को पूजा करो। बोले इनके पूजा में क्या होगा इनके पूजा करने से क्या होगा कहते ये जैसे जैसे हम पहले सुन रहे थे खट्टवांग महाराज
उनने सारे देवता को उन्हें प्रसन्न कर दिया, सारे देवता। लेकिन जब सब देवता बोले तुमको क्या चाहिए बताओ, बोले हमें मुक्ति चाहिए, उन्होंने मुक्ति नहीं दे पाए। सारे देवता मिलकर भी मुक्ति नहीं दे पाए। बोले मेरे थोड़ा परमायु बढ़ा दो, उन्होंने बोले एक मुहूर्त तेरे पास में, बोले आप जो मेरे को वरदान देना चाहते हो इसको द्वारा तुम्हें संसार का विषय भोग करूंगा ना, बोले हाँ, बोले थोड़ी सी मेरे परमायु को बढ़ा दो, बोले ये भी नहीं कर सकते। इसलिए ये 33 करोड़ का देवता मिलकर भी हमारा परमायु भी बढ़ा नहीं सकते हैं, हमें भी भगवान संसार से मुक्ति भी नहीं दे सकते हैं, हैं नहीं दे सकते हैं। लेकिन साधारण लोग का भावना क्या है, दूसरे देवा देवी को उपासना कर अगर धन दौलत तो पुत्र परिवार मिलेगा, लोग की भावना है। लेकिन हमारे भागवत में देख लो, युधिष्ठिर महाराज का जीवन देखो, पुत्र परिवार में हरे भरे हैं। श्री अम्बरीश महाराज का जीवन को देखो, भरत महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सबके सब महाराज महाराज है। लोग कहते ना भगवान की भक्ति करने से हमें रुपया पैसा धन दौलत नहीं मिलेगा, कर देखो जितने भगवान के भक्त सबके सब महाराज लोग हैं सबके सब। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज भगवान की उपासना करने के लिए गए, क्या निष्काम होकर गए थे, इसलिए गए थे मेरे को कैसे पिताजी की गोद में कैसे मेरे को उतार दिया है, एक दिन मैं माँ को राजमाता बनाऊंगा और एक दिन ये सिंहासन में बड़ा भाई मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन ये सिंहासन छोटा भैया को मिलना जा रहा है। इसलिए उन्होंने बोले भगवान को भजन करके ना माँ को मैं राजमाता बनाऊंगा, स्वयं राजा बनूंगा। लेकिन जब उन्होंने भगवान को संतुष्ट कर दिया, क्या हुआ, उसका हृदय बदल गया। भगवान कहते हैं ध्रुव तुम जो कुछ मांगोगे मैं 100 तेरे को दे सकता हूँ, लेकिन जो दूसरे दूसरे देवा देवी ये सब नहीं दे सकते, वो सब चीज उनको मांगो नहीं दे सकते, केवल भगवान विष्णु दे सकते इस चीज को। बोले जो जी भर करके तुम मांग लो, लेकिन उन्होंने क्या बोले, क्या बोले, बोले स्थानाभिलाषी, इसलोक याद है, याद है गुरु जी ने जो मांगा, हाँ क्या, भक्ति मोह प्रवतान प्रेमे ससंगो भूया दनंत महता मंगल आशयानाम यनवेंज सोलवणम गुरु व्यसनम भवाद्विन नेसे भगत गुण कथा मृतपन्नमत। इसलिए कहते वहां पर और एक श्लोक याद कर लो, हाँ क्या, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितम, ये श्लोक याद करना, ये बहुत अच्छा श्लोक है। बोले स्थानाभिलाषी तपसी स्थित अहम हाँ त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुज्यम काचम विचिन्न अपि दीपरत्नम स्वामी निकृतार्थ अस्मि वरम न जाचे। बोले प्रभु पहले मैं तो मूर्ख था, इसलिए ये राज्य लोभ से आपको भजन करने के लिए आया था, लेकिन त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुज्यम। लेकिन अगर उदाहरण देते हैं, अगर कोई कांच के टुकड़े को ढूंढते ढूंढते इसको अगर पार से पत्थर मिल जाए, दिव्य रत्न मिल जाए, फिर जगत में ऐसे कौन सा मूर्ख होगा जो दिव्य रत्न छोड़ करके कांच के टुकड़े ग्रहण करेगा। इसलिए मैं तो राज्य लोभ से आया था, लेकिन त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुज्यम, देव और मुनीन्द्र के लिए भी जो दुर्लभ है, कहते ऐसे जो चरण कमल मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए प्रभु कृतार्थ में धन्य हो गया, इसलिए वरम ना जाचे, मेरे को वर नहीं चाहिए। लेकिन वो तो वर लिया नहीं, और लास्ट में क्या मांगा, भक्ति मुहूर्त प्रभवता तो ही वे प्रसंग, ये श्लोक याद है, हाँ आगे आएगा ध्रुव जी का स्तुति में। इसलिए प्रभु मेरे को है भक्तों का संग दो, जिनकी मुखार बिंद से आपकी कथा रूपी की मंदाकिनी बहता हुआ होगा, अगर उसमें अगर मैं निरंतर गोता लगाते रहूंगा, ये अनायास ही माया संसार को मैं तर जाऊंगा। इसलिए लेकिन भगवान उसको क्या दिया, वो मांग नहीं रहा है, उसको नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी क्या दिया, बोले जाओ 36,000 साल तक ये पृथ्वी के ऊपर राजत्व करो, और उसको बाद में मेरे जैसे एक वैकुंठ लोग तेरे लिए भी एक वैकुंठ बना दूंगा, बाद में वैकुंठ लोग में आ जाए। देखो ये संसार का संपूर्ण पृथ्वी का राज्यत्व तो भगवान ने दिया, और उसको साथ साथ में क्या दिया, वैकुंठ लोग दे दिया, भगवत धाम उसको दे दिया, संसार का विषय भोग तो पूर्ण रूप में मिला, और उसको साथ साथ उसको भगवत लोक भी प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ कहते हैं
अगर भक्ति करना तो किसको पूजा करो? भगवान विष्णु को पूजा करो, दूसरे देवादेवी को पूजा मत किया करो, मना कर देते हैं। क्योंकि दूसरे देवादेवी जो बस भगवान क्या देते हैं, जब भगवत दर्शन हो जाता है उसको हृदय का जो काम है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ बताए अन्य कामी, इसको ये चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छी प्रयास, इसको याद करना। अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन, अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन, नाम मागिले ओ कृष्ण तार दे प्रेम धर। लिख लो, अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन, ना मागिले ओ तारे कृष्ण दे प्रेम धन। इसका मतलब क्या, अगर कोई ना मागिले ओ कृष्ण तारे दे प्रेम धन, इसलिए यहाँ पर कहता है अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन। अगर कोई दूसरा कामना वासना हो, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत हो, अगर वो कृष्ण भजन करता है लेकिन ना मागिले ओ कृष्ण तारे दे प्रेम धन, वो नहीं मांगने पर भी कृष्ण क्या करते हैं, उसका अपना प्रेम धन देते हैं। इसलिए दूसरे कहते हैं, देखो और एक प्रयास याद करो, बोले काम लागी कृष्ण भजे, कहते काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे। देखा, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होते है अभिलाषे। काम छाड़ी दास होए ते है अभिलाषे, दास होए है ते अभिलाषे, काम छाड़ी दास होए ते, काम छाड़ी दास होए ते है अभिलाषे। हैं, इसका मतलब क्या है, काम लागे कृष्ण भजे, कामना वासना को लेकर कृष्ण भजन करते हैं, लेकिन जब उसको कृष्ण भक्ति रस मिल जाता है ना, उसको जब कृष्ण भक्ति पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होए ते अभिलाषे, फिर वो काम को छाड़ करके भगवान के दास बनने के लिए उसको हृदय में अभिलाषा अपने आप आ जाते हैं। ये भगवत भक्ति की ये विशेष महिमा, एक उदाहरण देकर समझाए, देखो ये चीज को उदाहरण देकर समझाए। अगर कोई बच्चा पिता माता के पास में जाए, बोले पिता माता जी मेरे को जहर दे दो, बोले क्यों जहर क्या करोगे, बोले मैं खाऊंगा। आप बता पिता माता जहर देंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, बोले कि खाने का चीज ले, लड्डू खा ले, रोटी खा, सब्जी खा, है मिठाई खा, और जहर मांग रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर दुकान में 100 रुपया लेकर के जाए, किसी दुकानदार को 100 रुपया दे करके मेरे को 100 रुपया की बीज दो, वो देगा कि नहीं देगा, तो पैसा से मतलब है, 100 रुपया लेगा और जहर दे देगा। लेकिन अगर पिता माता के पास में जहर मांगेगा तो पिता माता देंगे नहीं देंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई भगवान कृष्ण से, राम से, नारायण से अगर कोई जहर मांगे ना, जहर मतलब विषय है, ठाकुर नहीं देते ठाकुर जिसको, क्योंकि वो हमारे पिता माता हैं, उसको पता है कि कल्याण इसमें नहीं, इसलिए वो नहीं देंगे। लेकिन जो दूसरे दुकानदार मतलब जो दूसरे शिव ब्रह्मा देवी काली और गणेश हनुमान जी इनको मांगो, है ले लो ले ले भले तुम मर जाओ, इसलिए वो दे देते हैं। और वो क्या होता है संसार में, फिर विषय को पा करके संसार में वो भटकते हुए रहते हैं, इनको संसार से उधार नहीं होता है। आप ये कह रहे हो कि जैसे अभी आपने बताया कि भगवान जो है मतलब वो खटवांग ने पूछा कि भाई तुम मेरी आयु का वर्धन कर सकते हो, मतलब मुझे दीर्घायुष्य प्रदान कर सकते हो, तो उन्होंने मना कर दिया ना कि नहीं है तो केवल श्री भगवान करेंगे। साधारण काम के लिए जो विषय भोग करना चाहते जगत में ज्यादा दिन बढ़ना चाहते उनके लिए, साधारण व्यक्ति के लिए बताया, कम बुद्धि बताया ना पहले, कम बुद्धि वाले लोग ऐसा करेंगे, उन्होंने बता दिया देवता में तो शक्ति है ना, हाँ विषय भोग के लिए देते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते उदार बुद्धि, कहते उदार बुद्धि मतलब जो सुबुद्धि है, जिनका बुद्धि सुबुद्धि युक्त है, हैं कहते तिब्रेणा भक्ति योगेना, कहते उनको किसको उपासना करनी चाहिए, बोले भगवान विष्णु को उपासना करनी चाहिए। बोले कैसे भक्ति करनी चाहिए, बोले तिब्रेणा, बोले तिब्रेणा मतलब क्या है,
तत् अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कहते ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तीव्र में मतलब। इसलिए यहाँ पर कहते अमिश्र तम रूपे, हाँ के जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में सूर्य उदय हो, अगर बीच में मेघ आ जाए ना, क्या होता है, सूर्य ग्रहण होने पर बंद हो जाता है। अगर मेघ नहीं हो तो क्या होता है, पूरा उसका सूर्य ग्रहण डायरेक्ट पड़ता है। उसी तरह भगवान की भक्ति में बीच में किसी तरह का कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो काम करने पर भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान की रुचवना प्रवृत्ति बढ़े, उसको साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आज हम लोगों ने सुना जैसे कम बुद्धिमान कौन है, तेज बुद्धिमान कौन है, अच्छे बुद्धिमान कौन है, अच्छे बुद्धिमान कौन है, जो भगवान की उपासना करते हैं, भले कम उपासना हो लेकिन वो भगवान को ही भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं आमी ये और एक प्यार लिख लो, और एक प्यार लिख लो, आमी विज्ञ से अज्ञ, आमी विज्ञ से अज्ञ विज्ञ, मतलब मैं पंडित हूँ, आमी विज्ञ से अज्ञ, अज्ञ मतलब मूर्ख, विषय के न दिव, विषय के न दिव सौ चरणामृत दिया विषय भुलाइव, सौ चरणामृत दिया विषय भुलाइव। कृष्ण कहते मैं पंडित हूँ, वो तो मूर्ख है, लेकिन आमी विज्ञ सही अज्ञा विषय करने दिव, उसको विषय में क्यों दू, बोले निजे चरणामृत दिया विषय भुलाए, उसको अपना चरणामृत दे करके मैं उसको विषय को भुला देता हूँ। इसलिए भगवत भजन में ये विशेष उसमें लाभ है। इसलिए यहाँ पर जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर भक्ति करना तो भगवान, और एक उदाहरण पहले उदाहरण देते हैं, जब श्री सुखदेव गोस्वामी अलग अलग देवादेवियों का नाम बता रहे थे, इनको पूजा, इन ये वस्तु पाने के लिए उनको पूजा कर, ये वस्तु पाने के लिए इनको पूजा कर, तब यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, कहते आप कह रहे हो सब अलग अलग वस्तु को पाने के लिए अलग अलग देवादेवी को पूजा करनी चाहिए, आपको नोट में ऐसे कोई देवता क्या है जो एक को पूजा कर सब कुछ मिल जाएगा। बोला हाँ, हमारे पास में ऐसे भी एक देवता है जो एक देवता को पूजा कर तुम सब कुछ मिल, बोले उसका नाम बताओ ना, क्यों अलग 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 देवादेवियों को बात क्यों बता रहे। फिर उन्होंने बताए अकाम सर्व काम वक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुष पर, जो परम पुरुष भगवान जो कृष्ण राम जो विष्णु है, कहते जो बुद्धिमान इनको पूजा करते हैं, अरे इनको पूजा करने से जीवन में इसको सुंदर स्त्री, रुपया पैसा, धन दौलत, पुत्र परिवार, उसको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। भगवत भगवान की भक्ति को द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ देखो और एक बात सुन, इसको बंद कर दो।